प्लीज सर, मुझे पिकल से लड़ने दीजिए। कात्सुमी, जिद मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। मुझे उसका खाना बनना मंजूर है। ठीक है, अगर तुम्हें उससे लड़ना ही है तो मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने उनकी सारी शर्तें मान ली हैं और उन्होंने हाँ कह दी। मित्सुनारी तोकुगावा ने मेरे सामने दो शर्तें रखी। पहली ये कि लड़ाई सुबह 6 बजे शुरू होगी, और दूसरी ये कि लड़ाई अंडरग्राउंड अरीना में नहीं बल्कि बेसबॉल स्टेडियम में होगी। मुझे उनकी शर्तों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ मुझे खुद से एक सवाल जरूर है कि क्या मुझे उससे लड़ना चाहिए। क्या मैं कात्सुमी ओरोची उसे हरा पाऊंगा? मॉम, आप यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गई? दरअसल तुम्हारे डैड से मुझे ये पता चला बेटा, ये मैच तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने ऐसे शख्स को बुलाया है जो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है, और उसकी जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। आप अच्छी तरह से जानती हैं मॉम कि मुझे किसी के आने से फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए दुनिया में आपसे जरूरी ना कोई था और ना कभी कोई होगा, हमेशा के लिए। मेरे लिए दुनिया में आपसे बढ़कर और कुछ नहीं है माँ। तुम्हारी माँ तो चली गई। हाँ जानता हूँ। वैसे ये कोई बेसबॉल मैच तो है नहीं जिसे हर कोई देखे। नात्सु ने इसी शख्स को बुलाया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मॉम इन्हें मुझसे मिलने के लिए कभी बुला सकती है। यकीन नहीं हो रहा। ये वो औरत है जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई है। आज से तकरीबन 15 साल पहले डोपो ओरोची के एक करीबी दोस्त ने उसे सर्कस देखने के लिए इनवाइट किया था। वहां ओरोची एक 5 साल के बच्चे की ताकत और काबिलियत देखकर हैरान रह गए। पर अचानक एक हादसे की वजह से उस बच्चे के पिता मारे गए। उस हादसे के बाद डोपो और उसकी बीवी इस बच्चे का ध्यान रखने लगे, और आखिरकार उन्होंने उसे गोद ले लिया। मेरा बेटा, इतने वक्त बाद मिलने आई हैं। तुम तो जानते हो ना, सर्कस बहुत घाटे में चल रहा है। अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी बॉडी।